तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि हम एक्चुअली इसमें टॉपिक्स क्या क्या डील करेंगे इसके पूरे स्ट्रक्चर्ड कोर्स में। तो सबसे पहला चैप्टर जो होगा वो होगा हमारा समझना कि एक रोल स्ट्रक्चरल इंजीनियर का क्या होगा। तो पहला चैप्टर जो है, मतलब पहला टॉपिक वहाँ पे होगा, जो पहला होगा वो है रोल ऑफ अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर। ठीक है, लिख लेना तो बता देना। ठीक है, इसके अंदर सब टॉपिक्स क्या क्या है, एक स्ट्रक्चर इंजीनियर के अंदर में क्या क्या चीज उसको दिमाग में रख के चलना पड़ता है कभी भी कोई बिल्डिंग को वो डिजाइन या उसको एनालाइज करता है या फिर जो भी चीज करता है सॉफ्टवेयर में, तो क्या क्या चीज को दिमाग में रखता है। तो पहला चीज ये क्या है कि उसको स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को एश्योरेंस देना पड़ता है। पहला टॉपिक ये है कि टू प्रोवाइड एश्योरेंस टू स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। क्या बताएं, टू प्रोवाइड टू एंश्योर, मतलब उसको ये एंश्योर करना रहता है कि उसका स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी टिका रहे किसी भी बिल्डिंग को। स्ट्रक्चरल इंजीनियर जब डिजाइन करता है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर को, तो दो चीज उसमें ध्यान रखना है, एंश्योर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। और ये दोनों एक दूसरे से काफी इंटर रिलेटेड है। ठीक है, ये दोनों मतलब आपस में काफी कनेक्टेड है, उस बात का ध्यान रखना है। फिर जो नेक्स्ट पार्ट इसमें करना है वो है ड्यूरेबिलिटी को इंश्योर करना, उसकी ड्यूरेबिलिटी को चेक करना। ये सब रोल में हम बता रहे हैं, रोल एक चैप्टर वन है, चैप्टर वन करके लिखना। चैप्टर वन है रोल ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियर, उसके अंदर सब टॉपिक्स। पहला है इंश्योर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, दूसरा है इंश्योर ड्यूरेबिलिटी, तीसरा है इंश्योर डिफ्लेक्शन कंट्रोल, और चौथा है इंश्योर क्रैक कंट्रोल। ड्यूरेबिलिटी तीसरा क्या बताते हैं, टू इंश्योर डिफ्लेक्शन कंट्रोल, और चौथा चौथा है तुम्हारा इंश्योर क्रैक कंट्रोल, क्रैक को कैसे कंट्रोल करना है। फिर सेकंड चैप्टर जो है वो तुम्हारा स्कीम ऑफ अ बिल्डिंग है, उसके बारे में ज्यादा मत समझो, बस इतना जानो उसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो स्कीम ऑफ अ बिल्डिंग का कहने का मतलब है तीन टाइप का बिल्डिंग को कैटेगराइज किया गया है, एक होता है लो राइज, एक होता है मिड राइज और एक होता है हाई राइज। ठीक है, तो ये जो तीन तरह का कैटेगरी है उसके बारे में हम लोग इन डिटेल डिस्कशन करेंगे अपकमिंग जो भी लेक्चर्स होंगे। फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर उसमें आता है ई टैब्स या स्टैट प्रो के बीच में इनिशियलाइजेशन, शुरू कैसे करना है काम को स्टैट प्रो या ई टैब्स में। तो देखो ऐसा नहीं है कि हम तुम लोग को खाली स्टैट प्रो ई टैब्स ही बताएंगे, उसमें टेक्ला भी बताएंगे। अल्टीमेटली तुमको सॉफ्टवेयर से सिर्फ काम निकालना है कि हमको इसका रिजल्ट, ऐसा आउटपुट हमको मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो इनिशियलाइजेशन है तुम्हारा सॉफ्टवेयर के तरफ। फिर उसमें ग्रिड कॉलम, ग्रिड को कैसे मॉडल करेंगे, फिर कॉलम कैसे प्लेस करेंगे, फिर बीम्स को कैसे मॉडल करेंगे, उसमें कैसे प्लेस करेंगे, साइज कैसे देंगे, फिर एडिटिंग कैसे करेंगे उसमें, और एडिशनल ऑप्शंस आता है वो समझेंगे। फिर लोड की एप्लीकेशंस को समझेंगे। उसके पहले हम लोग कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि जो स्लैब होता है स्टिफनेस मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, शेल में मेम्ब्रेन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इक्विलिब्रियम और कंपैटिबिलिटी, टॉर्शन बेसिकली क्या होता है, रिलीज क्यों करते हैं हम लोग बीम के एंड्स पे, हम लोग मोमेंट रिलीज करते हैं, मालूम है ना, नहीं मालूम है तो बताएंगे। तो बीम के एंड पे हम लोग मोमेंट रिलीज करते हैं, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर आता है अल्टीमेटली इंटरपोलेशन का मेथड, मतलब रिजल्ट को हम लोग को जो इंटरपोलेट करना पड़ता है या इंटरप्रेट करना पड़ता है अपने अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू जो हम लोग को डेटा मिलता है सॉफ्टवेयर से उसके हिसाब से हम लोग जो रिजल्ट को चेंज वगैरह करते हैं लेफ्ट राइट सेंटर जो भी है, उसको हम लोग को करना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, वही काम होता है हम लोग का दिमाग लगाने का। तो उसमें क्या क्या चीज को चेक करना पड़ता है, तो देखो एनालिसिस होता है, डिफ्लेक्शन ड्रिफ्ट चेक होता है, इन सब चीज का चेक होता है। डिफ्लेक्शन और ड्रिफ्ट कंट्रोल होता है वॉल को ऐड करके, रिएक्शन को ऐड करके, बीम डिजाइन फोर्सेज, ये सब बीम मोमेंट्स, कॉलम डिजाइन फोर्सेज, उसका कुछ थ्योरी है, थ्योरी क्या है वो हम बताएंगे, उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेशन क्या, उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी बताएंगे।
फिर कॉलम है पियर्स, मतलब जो हमारा कॉलम किसको बोलते हैं, पियर्स किसको बोलते हैं, फिर स्लैब और मोमेंट्स जो जनरेट होते हैं उसमें, इसके बारे में, और फाइनली हम लोग का आता है डिजाइन। और आफ्टर डिजाइनिंग तुमको किसी ड्राफ्टमैन को पकड़ना है, उसको बोलना है कि हमको डिटेलिंग करके दे दे, चाहे तुम यू कैन डू इट, मतलब वी कैन डू द डिटेलिंग बाय आवरसेल्फ, हम लोग खुद से भी अपना डिटेलिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। चलो ठीक, इतना समझ में आ गया सबको, मतलब थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है अभी हम, ठीक है। स्टार्ट करें, चल ठीक है, चलो आई होप सबको सुनाई दे रहा है और सबको समझ में भी आ रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या लिखे हो, रोल ऑफ अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर में, एंश्योर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, अभी सबसे पहले तुम लोग स्टार्ट करो लिखना, एंश्योर स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के अंदर जो भी हम जो भी चीज बताएंगे वो एज पर कोडबुक रेफरेंस है, ठीक है, कोडबुक से हम ये सब चीज लिए हुए। तो एंश्योर स्ट्रेंथ में लिखो, स्लैब में हम लोग किस चीज के लिए उसको डिजाइन करते हैं, तो पहला लिखो स्लैब में हम लोग डिजाइन करते हैं उसको मोमेंट के लिए, लिखो। हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी हम लोग स्ट्रक्चरल मेंबर को डिफाइन या डिजाइन करते हैं उसमें क्या क्या चीज को हम लोग कंसिडर करते हैं। क्या बोले सर, क्या लिखना है बता, लिखना है जो हम बता रहे हैं, एक मिनट एक मिनट, चलो अभी स्क्रीन लिख रहा है। चलो चल रहा है, ओके। क्या हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी, इसमें हम लोग को अगर स्ट्रेंथ को इंश्योर करना, अभी हम स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ के बारे में, जो मजबूती जिसको तुम लोग बोलते हो। तो हमारे पास मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं बिल्डिंग में, यही होता है ना, यही होता है, ये बेसिक चार मेंबर्स होते हैं, बाकी एक आता है स्टेयरकेस, ठीक है। तो लोड ट्रांसफर ऐसी होता है, स्लैब से जाता है बीम पे, बीम से जाता है कॉलम पे, कॉलम से जाता है फुटिंग पे, फुटिंग से जाता है सॉइल में, ठीक है। तो हम लोग में ये स्लैब में डिजाइन किस चीज के लिए करते हैं हम लोग, ये तो हमको मालूम होना चाहिए ना कि हम लोग ऐसी डिजाइनिंग दे रहे हैं, रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, कॉन्क्रीट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ऐसा हम लोग को इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्मेट क्यों बनाया गया, तो उसके पीछे का वजह है मोमेंट। तो सबसे पहले तो स्लैब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है मोमेंट, हम लोग उसी के लिए स्लैब को डिजाइन करते हैं। इसको लिखो अपने कॉपी में जो जो चीज हम लिखवा रहे हैं मोमेंट्स के लिए, फिर बीम में जो हम लोग डिजाइन करते हैं जिस चीज के लिए उसको बोलते हैं हम लोग मोमेंट्स एंड शियर, दोनों चीज के लिए हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। फिर कॉलम, इसमें हम लोग कॉलम को डिजाइन करते हैं दो चीज के लिए बेसिकली, एक्सियल लोड के लिए और मोमेंट के लिए, और फाइनली जो मेरा फुटिंग आता है उसमें हम लोग जो डिजाइन करेंगे वो मोमेंट के लिए और शियर के लिए, ठीक है सर। फुटिंग में मोमेंट कहाँ से आ जाएगा सर, आता है, बताते हैं सब चीज बताते हैं, वो सब चीज का हम तुम लोग को एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में पीपीटी दिखाएंगे, पिक्चर फॉर्मेट में, ऐसे बताने से समझ में नहीं आएगा। वेल, इतना पहले लिखो हम बताते हैं। चलो स्लैब के बारे में थोड़ा सोचो, स्लैब में मोमेंट जनरेट हो रहा है कैसे, थोड़ा सोचना। छज्जा निकला हुआ है, छज्जा का मोमेंट जनरेट, स्लैब माने फ्लोर, वो फ्लोर, अच्छा हाँ। तो उसमें मोमेंट जनरेट होता है सर, मतलब मोमेंट का कहने का मतलब है बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट का कहने का मतलब है उसमें थोड़ा सा बेंड आ जाता है, मतलब स्लैब जो है कुछ एमएम तक, एक लिमिटेड एमएम तक अगर स्लैब बेंड हो
तो सेफ माना जाता है, उसके उससे ज्यादा अगर उसमें मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, ये हमको सॉफ्टवेयर बताएगा, अगर उसमें ज्यादा मूवमेंट प्रोड्यूस होता है जितना रिक्वायर्ड बेंडिंग होता है उससे अगर ज्यादा हो गया तो उस केस में हम लोग उसको कंसिडर करेंगे कि ये फेल हो रहा है, स्ट्रक्चर वहां पे फेल हो रहा है, उसको और थोड़ा सा स्ट्रेंथ देना, ठीक है। अच्छा बीम होता है, तो बीम में मेरा आता है, मेरा मोमेंट और शियर दोनों के लिए हम लोग बीम को डिजाइन करते हैं। अब शियर फोर्स एक तरह का फोर्स होता है जो कि वाइब्रेशंस या फिर तुम लोग नेचुरल कैलामिटीज से जो प्रेजेंट तो आने वाले जो भी फोर्सेस होते हैं नेचुरल कैलामिटीज की वजह से जो फोर्सेस होते हैं वो हमारा बीम लेता है। जैसे उसमें मोमेंट तो प्रोड्यूस होगा, जो उसके ऊपर लोड लगेगा तो बेंडिंग होगा ही होगा, उसके चलते जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा। और जो शेयर हो गया कि उसमें जो लैटरल फोर्सेस जो लगते हैं मतलब साइड से या तो विंड या तो अर्थक्वेक, उन दोनों कंडीशंस को हम लोग मानेंगे बीम। कॉलम में कौन तरह का लोड आ जाता है? कॉलम में लोड आता है तुम्हारा एक्सियल लोड, ऊपर से जो बीम उसको डालता है, तो हम लोग स्टील डालते हैं, स्टील से वो रॉड से वो ट्रांसफर होता है कॉलम में। कॉलम में कंप्रेसिव कंप्रेसिव नहीं आएगा? हाँ वही कंप्रेशन, यही तो है एक्सियल लोड ही कंप्रेशन। अच्छा तो फिर इस पे जो लोड पड़ रहा है उसका और कॉलम पे भी पड़ेगा वो लैटरल लोडिंग जो विंड का होगा और अर्थक्वेक का होगा, तो वो होगा कॉलम में एक्सियल और मोमेंट दोनों प्रोड्यूस, ठीक। अब आ रहा हमारा आता है फुटिंग। फुटिंग में तुम्हारा मोमेंट और शेयर दोनों जनरेट होगा, शेयर तो होगा ही होगा जो भी लैटरल लोडिंग है उसके चलते, और मोमेंट तो आएगा ही आएगा क्योंकि उसमें बेंडिंग होगा, अगर स्ट्रेंथ अगर उसका स्ट्रांग नहीं रहा। और उसमें भी कुछ लिमिटेशन होते हैं कि इतना अलाउड होना चाहिए इसमें बेंडिंग, अदरवाइज ये फेल करते हैं। फुटिंग भी बहुत तरह का होता है, तरह तरह का फुटिंग होता है, फाउंडेशन होते हैं, उसका सबका डिजाइन बेसिकली मेथडोलॉजी पूरा अलग होता है, उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट फॉर टाइम बीइंग ये समझना जरूरी है। इतना समझ में आ गया? इसको नोट कर लो। नहीं तो नोट हुआ था। नोट हो गया ना, चलो ठीक। एक मिनट, अभी स्क्रीन पे तुम लोग कुछ देख रहे हो, दिख रहा है ये? नहीं। हाँ दिखा आप। ठीक, ये फोर्सेस इन मेंबर्स, तो ये हमारा जो है स्लैब है, दिख रहा है आपको, इसी के नीचे आएगा तुम्हारा बीम ऐसे, फिर ये मेरा कॉलम आ रहा है। तो देखो यहाँ पे लोड लग रहा है, इसके अंदर ये बेंडिंग हो रहा है, एक इस साइड जा रहा है ये और एक इस साइड जा रहा है ये, ठीक है, और इस तरह से, और लोड इस पे पड़ रहा है, तो एक इस साइड से ऐसे फोर्स जा रहा है और एक इस साइड से ऐसे फोर्स जा रहा है। ये तरह का जो फोर्स है उसको बोला गया कंप्रेशन, और इस तरह का जो फोर्स है उसको बोला गया टेंशन। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं, जो मेंबर्स में जो फोर्सेस लगते हैं, इन दोनों को ही कंसिडर करके हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक। पिक्चर क्लियर हो गया ये वाला? ठीक, अब चलो कोडबुक लिखो, कौन कौन सा कोडबुक का जरूरत पड़ता है। स्ट्रेंथ का तो बता दिया, स्टेबिलिटी का सब सबका बताएंगे वन बाय वन। तो पहले लिखो तुम कोडबुक, जो हम लिखवा रहे हैं वहां पे खाली अभी बेसिक उतना ध्यान रखना, बताएंगे वन बाय वन। उसके बाद एक और चीज आता है जियोटेक्निकल रिपोर्ट पढ़ने के लिए, उसका भी एक अलग कोडबुक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चार कोडबुक याद रखना अभी।
चौथे माइस नहीं रहेगा। रहेगा ठीक मैं लिख लिया। ये हो गया तुम्हारा फूड बुक का सिक्वेंशियल फॉर्मेट। ठीक है, ये जो चारों कोडबुक है क्या इतना नेसेसरी है? तुम लोग अब क्वेश्चन कर सकते हो क्या इतना नेसेसरी है कि ये कोड बुक इतना से हम लोग सीख लेंगे या नहीं सीखेंगे? तो हाँ, इतना नेसेसरी है, मतलब ये बेसिक रिक्वायरमेंट है तुम लोग को समझने के लिए चीज को। अगर कोई चीज तुमको दिया जाता है स्ट्रक्चरल डिटेलिंग प्रोड्यूस करके, तुम एटलीस्ट पढ़ सको उन सब चीजों को, और तुम ये दिमाग लगा सको कि क्या ये उसी मेथड से किया गया जो हम लोग का इंडियन कोड बुक रिकमेंड करता है, और नहीं करता है तो क्या क्या गलती है उसमें। तो इन सब चीज को दिमाग में रखते हुए इन चारों कोडबुक को नॉलेज तो जरूर होना चाहिए, और क्या क्या क्लॉज और क्या क्या पॉइंट होता है उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे, बट नॉट नाउ, अभी नहीं, बाद में। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना स्टेबिलिटी को इंश्योर कैसे करना चाहिए इसको लिखो। स्टेबिलिटी कैसे मालूम चलेगा कि उसका स्टेबिलिटी हम लोग इंश्योर करना है? अभी हम कुछ लिखे हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी पे, दिख रहा है ये, इसका क्या मतलब समझते हो, क्या समझ में आता है इस? तुम लोग को सुनाई दे रहा है क्या अभी? बस आप जो बोल रहे हैं वही सुनाई दे रहे हैं। हाँ ठीक, चलो अब बताओ। ओवरटर्निंग को कंट्रोल करना, ओवरटर्निंग मतलब क्या होता है? जितना हो सकता है कि उसको जितना घूमने का हो उससे ज्यादा घूम जाता हो ओवर। ओवर टर्निंग में जितना उसको घूमना हो उससे ज्यादा घूम जाता है, मतलब उसको घूमने ही नहीं देना है उसको। हाँ ये अब हम तुमको हाँ दिखाते तो हैं उसको, कंट्रोल तो कर रहे हैं उसको। अब हम तुमको दिखाते हैं पिक्चर फॉर्मेट में कहने का मेरा मतलब क्या है। ये देख अभी स्क्रीन पे तुमको दिख रहा है कुछ, ओवर टर्निंग को कंट्रोल करना है, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी घर है तुम्हारा, ऐसे इसको गिरने नहीं देना है, इस तरह से इसको गिरने नहीं देना है। अगर उसको नहीं गिरने देना है तो कोई अपलिफ्ट फोर्सेस नहीं आना चाहिए। मतलब कि इस साइड से ज्यादा फोर्स लग गया और इस साइड से कम लग गया, मतलब अगर मेरा ये स्ट्रक्चर कोई बिल्डिंग है और अगर हम इसको रख रहे हैं ऐसे करके किसी पर, तो इस साइड से हम ज्यादा फोर्सेस नीचे से लगा दिए, इस साइड से हम कम फोर्स नीचे से लगा दिए, उससे होगा क्या कि अगर बिल्डिंग पे लोड पड़ रहा है तो ऊपर से तो इक्वल पड़ रहा है, लोड तो एकदम इक्वल ही पड़ेगा, कम ज्यादा तो होगा नहीं। लेकिन ये जो हम लोग सपोर्ट दिए कंडीशंस, एक तरफ कम दे दिए एक तरफ ज्यादा दे दिए, तो हो सकता है कि इस तरफ से वो बिल्डिंग सपोर्ट कर ले जितना लोड पड़ रहा है, बट इस साइड से हो नहीं तो बिल्डिंग टेढ़ा हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? ये टेढ़ा हाँ क्यों सर। होगा? क्योंकि अल्टीमेटली जो लेगा वो सॉइल लेगा लोड, इसीलिए एक साइड का सॉइल ज्यादा सेटल हो जाएगा, दूसरे साइड का सॉइल कम सेटल होगा। अब जब सेटलमेंट का डिफरेंस आ जाएगा तो बिल्डिंग टेढ़ा हो जाएगा, सॉइल हमारा ऐसे है, एक साइड ज्यादा सेटल हो गया एक साइड कम सेटल हुआ, और बिल्डिंग हमारा ऐसा हो गया सीधा होने की जगह पे। समझ में आ गया? क्योंकि बिल्डिंग पे तो कंटिन्यूअस लोड पड़ते ही रहता है, ठीक है, और वो जो लोड रहता है वो एक तरह तो से कंटिन्यू भी रहता है, और कभी कभी थोड़ा ज्यादा पड़ता है कभी कम पड़ता है, ऑब्वियसली मूवमेंट ऑफ पीपल थिंग्स होते ही रहते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये इंश्योर करना हम लोग का भी कि कोई अपलिफ्ट फोर्सेस जनरेट नहीं हो एक्स्ट्रा अमाउंट में, ताकि बिल्डिंग का गिरना जो भी ओवरटर्निंग है वो पॉसिबिलिटी नहीं बने। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल करें। कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारा मेथडोलॉजी है, बस इस बात का एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर तुमको ध्यान रखना, ठीक है। पहला हो गया तुम्हारा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में चार चीज को डिजाइन करना होता है, स्लैब वगैरह जो भी चीज है। तो अब हम लोग जो जो भी डिजाइन रिजल्ट प्रोड्यूस करके देते हैं मेंबर्स का, स्ट्रक्चरल मेंबर्स का, इस बेसिस पे देते हैं कि उस पर मोमेंट जो लगे वो झेल जाए, उस पर जो एक्सियल फोर्सेस जो भी है कंडीशन हमको बताया भी वो झेल जाए। अब जो सेकेंड चीज आता है ये जो है मेरा वो ओवर टर्निंग वगैरह जो भी चीज है, यहाँ पे क्या हो गया कि स्टेबिलिटी हमको ध्यान रखना, मतलब किसी साइड से ज्यादा लोड डाल दिए किसी साइड से कम सपोर्ट डाल दिए और हम उसको डिसबैलेंस करके बना के भेज दिए, तो वैसा नहीं होगा, उस तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको लिखो,
इस पिक्चर को बना लो समझने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सब चीज को लिखना जो भी हम समझाए। सेटलमेंट ऑफ सॉइल जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज होता है यहाँ पे, कई इंटरव्यू में पूछ सकता है इसको। ठीक है चलो लिख लेना तो बताना, आगे बढ़ते हैं। हो गया ठीक है नेक्स्ट पॉइंट लिखो पिंटू जी से ओवरटर्निंग के। पूछ अरे लेते हैं। पिंटू जी तो बता ही नहीं कुछ, पिंटू जी सो गए हैं लगता है। जी नहीं आवाज नहीं, माइक ऑफ है। हाँ पिंटू जी, जी हाँ हाँ समझ में आ गया। समझ गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल स्वे। ये हो गया ओवरटर्निंग और मेरा फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कंट्रोल स्वे, मतलब जो हमारा स्वे, मतलब स्वे से क्या मतलब समझते हो, ये पहले लिख लेना फिर बताना। हेलो, हाँ सर, हाँ स्वे का मतलब क्या समझते हो? स्वे का मतलब नहीं पता। हम बताते हैं भी स्वे का क्या मतलब होता है, लेकिन पहले उससे पहले एक लिखो, एक चीज लिखो कि क्लॉज नंबर 20.1 to 20.5 IS 4562000। स्कोर अरे एक मिनट, लिखना कहाँ पे? कंट्रोल सोए के और बगल में या आईसी फिर नेक्स्ट पॉइंट में? नेक्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, हम लिख रहे हैं, आईएस कितना लिखा सर? हम बता रहे हैं IS 456 क्लॉज 20.1 to 20.5 ये लिखना है, ये क्लॉज में लिखा हुआ है। इस चीज के बारे में अभी हम जो डिस्कस करेंगे स्वे के बारे में, ये क्लॉज आईएस इतना कोड में लिखा हुआ है। इसीलिए होता क्या है कि हम लोग जनरली चीजों को याद नहीं रखते हैं, और याद नहीं रखते हैं तो उसको कोडबुक से देख लेते हैं। अब जब याद नहीं रखते हैं उसको कोडबुक से देख लेते हैं तो ये हो जाता है लगातार देखते देखते से दिमाग में इस चीज का मतलब बैठ जाता है कि हाँ यही रूल था इसको फॉलो कर। तो इसको याद करके रट करके नहीं, इसको अप्लाई कर करके याद कर लेते हैं। तो बट ये क्लॉज में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है तो उसको जा करके देखना है। अभी हम कुछ दिखा देते हैं स्क्रीन पे, उसको देख करके समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट शेयर कर रहे हैं स्क्रीन, ये इसको लिख लिया ना आईएस क्लॉज करके। ठीक ठीक अब यहाँ पे हम दिखा रहे हैं स्क्रीन, लिखा कुछ कंट्रोलर से? तो अब यहाँ पे जो चीज दिख रहा है ये विंड लग रहा है, तो स्वे कभी भी आएगा तो वो विंड फोर्सेस के चलते ही आएगा और नहीं, और किसी चीज के चलते नहीं। ठीक है, तो जब भी आएगा स्वे मेरा विंड फोर्सेस के चलते आएगा, और जो स्वे होना चाहिए जो ऊपर में डिफ्लेक्शन जो दिख रहा है ये बिल्डिंग के टोटल लेंथ से या हाइट जिसको बोल सकते हैं उसका L/500 से इक्वल या उसके कम होना चाहिए, मतलब अलाउेबल डिफ्लेक्शन जो हम लोग एडी इसको बोल सकते हो, ए लिख लो ए सफिक्स डी ऐसे करके, वो लेस देन एल बाय 500। क्या बताएं सर कि क्या होना चाहिए? बता रहे हैं एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ये जो हमारा अलाउेबल डिफ्लेक्शन होगा ना बिल्डिंग का, बिल्डिंग विंड के चलते कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो कितना होना चाहिए, तो वो उस लिमिट तक होना चाहिए। कहां तक? तो L/500, अगर कोई बिल्डिंग की हाइट है 10 फीट
उसको 500 से या मीटर में कन्वर्ट कर लो, 500 से डिवाइड कर लो, तो वो जो डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू आएगी एमएम या मीटर्स में, जो वो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आएगी उससे कम होना चाहिए। ये वैल्यू जो आ रहा है ना इससे कम आना चाहिए अगर हम लोग सॉफ्टवेयर में इसको एनालाइज करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? नहीं ये वाला नहीं, मतलब किस कौन सा वैल्यू किससे कम होना चाहिए। अच्छा ठीक, सुन अभी जैसे मान लो बिल्डिंग की हाइट मान लो 3 मीटर है, ठीक है, ठीक है, तो 3 मीटर को 3 मीटर को 500 से डिवाइड कर दो तो कितना आता है? कैलकुलेटर निकाल के बता दो कितना है अप्रोक्सीमेटली। 166 मतलब 0.06 इतना, तो 0.006 ये मीटर्स हो गया, इतना मीटर तुम्हारा डिफ्लेक्शन। एग्जांपल के तौर पे बोले जनरली बिल्डिंग का हाइट 3.2 मीटर होता है, मतलब तो अब ये जो 0.006 मीटर जो हो गया ये डिफ्लेक्शन वैल्यू आ रही है, ये बिल्डिंग तुम्हारा इससे ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इससे ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए मतलब बिल्डिंग ऐसे खड़ा है, विंड का लोड इधर आया, बिल्डिंग ऐसे स्वे होगा ना विंड लोड के चलते, तो ये जो डिफ्लेक्शन वैल्यू है, ये जो वैल्यू होगा जो डिफ्लेक्ट किया पहले से अमाउंट से, यही होता है डिफ्लेक्शन। इसको डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हो, तो ये वैल्यू जो है अलाउएबल डिफ्लेक्शन से डेल्टा की वैल्यू अलाउएबल डिफ्लेक्शन से जो एल बाई 500 होता है कोडबुक के अकॉर्डिंग उससे कम होना चाहिए। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 2-3 बार देखना, समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक? नहीं नहीं समझ में। ठीक है तो ये एल हो गया, लेंथ हो गया बिल्डिंग का, तो ये वाला चीज को हम लोग को दिमाग में रखना है कि स्वे को कंट्रोल हम लोग कैसे करेंगे। अब जब ये इश्यू आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर ये दिक्कत आ रही है कि ये स्वे 0.006 से सॉफ्टवेयर में ज्यादा दिखा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कॉलम को बढ़ाएंगे या तो कॉलम साइज को बढ़ाएंगे। देखो यहाँ पर डिफ्लेक्शन इज मोर स्टिफनेस ऑफ द बिल्डिंग नीड्स टू बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग कॉलम्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, या कॉलम साइज, इंक्रीजिंग कॉलम साइज या इंट्रोड्यूसिंग मोर कॉलम्स। ठीक है, तो ये रूल को दिमाग में रखना है हमारा कंट्रोल स्वे के टाइम। समझ में आ गया? इस पिक्चर को बना लिया जाए। हाँ, इस पिक्चर को बना लिया जाए और जो हम बताए अभी रूल उसको लिख लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, अभी ये जो दो टॉपिक अभी हम करवाए हैं उसको अभी हम उतना ही रखेंगे। अभी इसके बाद बहुत कुछ है करने बताने के लिए इसमें कि क्या क्या होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। बट जो ये दो रूल है और जो कोडबुक हम बोले हैं उसको रखना अपने पास। जो भी टॉपिक्स हैं अभी बताए हैं उसको दिमाग में रखना है अभी आगे नेक्स्ट क्लास, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ कुछ धीरे धीरे लोड एप्लीकेशन, लोड का कैलकुलेशन जो भी है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर, ठीक है सर। हाँ, एक दो पॉइंट और लिख लो, मतलब एक या दो पॉइंट और लिख लो, या फिर नहीं लिख लो, एक पॉइंट लिख लो एटलीस्ट। सुन, ध्यान से सुना, अभी हम क्या बोलने जा रहे हैं। यहाँ पर ये लिखो कि ये ओवरटर्निंग का हो गया, अब हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस कर लिए। हम लोग यहाँ पे फूटिंग के बारे में डिस्कस किए, मोमेंट और शियर, और यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए ओवरटर्निंग। ये काफी फूटिंग का जो है ना ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काफी इंटर रिलेटेड है, क्योंकि वो सॉइल से रिलेटेड है और मेनली फूटिंग का ही है सपोर्ट। तो अगर हमको फूटिंग का ओवरटर्निंग को बचाना है, मतलब अगर हमको उस पे जो भी बिल्डिंग का जो टर्न होना होता है, या अभी हम जो देखे दिखाए तुम लोग को, ये जो मेरा बिल्डिंग था ऐसे करके ये ओवरटर्न हो रहा था, पहले तो सीधा था, फिर सॉइल का सेटल हुआ, एक साइड से ज्यादा सेटल हो गया, एक साइड से कम, बिल्डिंग ये ओवरटर्न होने लग गया, सेम आइडिया ऐसे करके ऐसे होने लग गया, ये ऐसा बना नहीं है, एक मिनट, ऐसा ऐसा कुछ हो जाए, इसके चलते ये ओवरटर्न होने लगे, ये बिल्डिंग बनाना बड़ा मुश्किल। ठीक है,
तो ये हो गया ड्रॉइंग पे मत जाना बट समझना कॉन्सेप्ट। ये अगर मेरा ओवरटर्न हो रहा है, कहने का यहाँ पे मतलब क्या है, इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा फुटिंग है उसके लिए हम लोग एडिक्वेट लेंथ प्रोवाइड करेंगे, मतलब एक अमाउंट में हम लोग लेंथ देंगे जिसके चलते मेरा ओवरटर्निंग बच जाए। और अगर वैसा होता है कि अगर तुम उसमें फुटिंग में लेंथ अगर हाई प्रोवाइड नहीं कर सकते, वी कैन नॉट प्रोवाइड द हाई लेंथ, देन वी कैन गो फॉर कॉलम दैट शुड बी प्रोवाइडेड एट वन एंड, कोई एक एंड पे जहां पे ओवरटर्निंग की इफेक्ट आ रही है एनालाइज करने के बाद, वहां पे हम लोग एक कॉलम एक्स्ट्रा हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? नहीं, फिर से बताइए सर क्या। लिखो इसको टू प्रिवेंट ओवरटर्निंग एडिक्वेट लेंथ शुड बी प्रोवाइडेड। Should be provided. Adequate length should be provided. Yeah, or करके लिखो और option में. Column should be provided at one end. हम इसके बारे में और detail discussion करते हैं अभी, लेकिन खैर अभी इतना लिख लो. इसका solution क्या है अगर overturning हो रहा है? Column should be provided at one end. बस दैट्स चलो थैंक यू।